मत मेरे दाता जाइए, इन भक्तों को है चाहिए बस तेरा प्यार भगवान। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो कर्म है तुम्हारा वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। बताया रागिनी के माध्यम से क्या महाभारत के युद्ध को चलते हुए 10 रोज गुजर गए हैं, 10,000 सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। भीष्म के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार महाभारत के युद्ध का कोई फैसला होने वाला नहीं है, दादा भीष्म को बीच में से हटाया जाए। अब 5 पांडव पितामह भीष्म के पास गए और जाकर चरण स्पर्श किया तो दादा भीष्म ने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। श्री कृष्ण भगवान ने दादा भीष्म के सामने हाथ जोड़ के कह दिया कि दादा भीष्म कैसे विजयी भव जब तक आप बैठे, आपको बीच में से हटाया जाए या फिर आप अपना दिया आशीर्वाद वापस ले लो। अच्छा तो एक काम करना, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का एक व्यक्ति है, उसको सामने ले आना और तुम्हारा जो मन करे सो करो। अगले दिन युद्ध में दादा भीष्म के सामने शिखंडी को अर्जुन ने ओट बना लिया और इतने बार दादा भीष्म को मारे कि पूरी देह के आर पार कर दिया। पितामह भीष्म गिरे उस हिस्से पर गिरे जिसको एक दिन पहले माता गंगे ने सकेर के साफ किया था। शाम का समय माता गंगे पितामह भीष्म से मिलने के लिए आई तो दादा भीष्म ने अपनी बात किस प्रकार से कही और क्या लिखा रागिनी के माध्यम से। हाँ जी, और मैं निर्भागी जना को किते तू सुन दुखों के नाल री मां, मैं हार गया इसी जीने ते मुझे आजल भी उठा ले मां, हार गया इसी जीने से मुझे आजल भी उठा ले मां, दुनिया में न्यारी हुई पर क्या भंग कर्म की कत दुनिया में न्यारी, तेरे हाथ से मुक्ति पाकी ऋषियों की संगत सारी, मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी, पर मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। आजल बेच लो ता
हमारे आदरणीय गुरु जी किरण पाल नागर जी। जी हाँ, किरण पाल नागर जी वरौला से वो 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए हस्तनापुर के कारण मैंने प्रतिज्ञा ले ली के भले ही मुझे आजीवन बिना विवाह के रहना पड़े, लेकिन हस्तनापुर की गद्दी से बंध गया और आज यही हस्तनापुर जिसमें मेरी सरसैया बनी हुई है। किस प्रकार दूसरी बात में लिखा क्या बताया, दुनिया का मेरी घटगी सब पुन्याई, पर मैं पर का जी दुनिया का मेरी घटगी सब पुन्याई। कौन जन्म की खोटी करनी मेरे आगे आई, उसी परन पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई, मैं उसी परन पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई। सफेद कपड़े पहनते थे, एक दादा भीष्म और एक अर्जुन। आज पिता में भीष्म को वो सीन याद आ रहे हैं, वो दृश्य याद आ रहे हैं। मां गंगे, अगर मेरा ये पोता जिसके बाण आज मेरी छाती का लहू पी रहे हैं, कभी बाहर से खेल के कूद के आया धूल भरे कदमों से और मेरे सफेद कपड़ों पे आके बैठ गया, तो मैंने इसके पैर की धूल का भी परहेज नहीं किया। लेकिन देख, इस हस्तनापुर की गद्दी ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया है, उसी पोते ने आज मुझे जमीन पे गिराया है। क्या लिखा वाला तीसरी बात कैसे, पड़गी ओढ़ निभानी और मर्यादा में बंधा हुआ मैं, पड़गी ओढ़ निभानी और पाप और पुण्य धर्म अधर्म मन देखे अपने सामी, सत्य धर्म की नाव छूटगी होगी सार बिरानी, सत्य धर्म की नाव छूटगी होगी सार we
ये दादा भीष्म आज सरसैया पे है, लेकिन एक दिन पहली बात याद करके कह रहे हैं, हे माँ गंगे, जब कल शाम तुमने जमीन के इस हिस्से को साफ किया था, मैंने पूछा था आपसे कि इस युद्ध भूमि में औरतों का आना वर्जित है, और तुमने कहा था कि आज आज की बात है, जमीन का हिस्सा साफ किया, तो उसके बाद आपने जवाब दिया कि कल इस पे इतिहास लिखा जाएगा। मुझे पता नहीं था कि ये इतिहास लिखना है, क्या लिखा आखिरी बात में, कैसे फिर मिलन ना हो यो माँ।